भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रनों का स्कोर खड़ा किया। 349 के स्कोर में शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़ दिया। उन्होंने आतिशी पारी खेलते हुए 149 बॉल में 208 रन जड़ दिए। उन्होंने 19 चौके और 9 दमदार छक्के लगाए। इसी के साथ शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले 8वें और भारत के 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। वनडे में सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। रोहित ने 239 वनडे मैच में 29 शतक की मदद से 9630 रन बना लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 दोहरे शतक लगाए। रोहित ने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209, 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 और 2017 में एक बार फिर श्रीलंका के खिलाफ 208 रनों का दोहरा शतक लगाया था। न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल ने 198 वनडे मैचों में 7346 रन बनाए हैं। उनके नाम 237 रनों का दोहरा शतक दर्ज है जो उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ साल 2015 में लगाया था। विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं। उन्होंने साल 2011 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध 219 रनों की डबल सेंचुरी लगाई थी। वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल वर्ल्ड कप में दोहरा शतक लगाने का कमाल कर चुके हैं। गेल ने 2015 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 215 रनों का दोहरा शतक ठोका था। 65 वनडे खेलने वाले पाकिस्तान के फखर जमान भी वनडे में दोहरा शतक जड़ चुके हैं। उन्होंने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 210 रनों की पारी खेली थी। ईशान किशन के नाम 126 गेंदों में सबसे तेज वनडे दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। 2022 में उन्होंने बांग्लादेश के विरुद्ध 210 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में 208 रनों की पारी खेलने वाले शुभमन गिल दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय हैं। 2010 में सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 रनों की नाबाद पारी खेली थी। सचिन वनडे इतिहास में सबसे पहला दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं।